करौली के बौढ़ेर गांव का 2016 में जेंडर को लेकर एक वीडियो बनाया था। वीडियो ये था कि गांव की जो बच्चियां थी 8वीं कक्षा के बाद में स्कूल नहीं होने की वजह से ड्रॉप आउट हो रही थी। पहले समझ चाहिए कि यहाँ बच्ची ने कोई 5 या 8 तक पढ़ा तो उनको बैठा लेते, अब बाद में फिर बढ़िया लड़का ने देख के पढ़े लिखे देखे तो कोई शादी क्यों नहीं पाओ, तो शादी करवो चाहे बढ़िया को तो फिर पढ़ी तो चाहिए, अब ना तो स्कूल है तो ना बात तो बैठा लेते हैं घर पर। मतलब ये मानो कम से कम खेच के 10-20 बच्चा बच्ची ही पढ़ाए, बच्ची तो है ही नहीं पढ़ने की रुचि है ही नहीं कोई कभी। अब ये तो हुआ कम से कम सभी लोग बच्चे ने पढ़ाने लग गए, ये सभी लोग बच्ची ने पढ़ाने लगे, ये तो फर्क पड़ा। ये सोच कैसे बदली गांव की? ये सोच एक दूसरे से देख दूसरे देख करके जब बदली, भाई होड़ होते गाँव में एक दूसरे से, तो एक बच्चे बच्चे दूसरे को आगे बढ़ाओ तो वो भी सोचो मेरे भी पढ़ाओ। अब सोच यही बदल गई के साथ जैसे मतलब अब संबंध नहीं है पामे तो जरूर करनी तो है ही, तो यहाँ साहब प्राइवेट स्कूल वाले आए कि हम साधन भेज देंगे तुम्हारी बच्ची ने हमारे भी स्कूल में भेज दो, पर हमने साहब फीस के चक्कर में प्राइवेट में तो नहीं भेजी, सरकारी में भेज दें। अगर सरकार हम तू जैसे मतलब साधन लगा देती है तो बच्ची और भी बढ़ा सकते हैं। जेंडर के भेदभाव को लेकर जो गांव में इतना बड़ा बदलाव आया उसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि इस गांव में 8वीं के बाद में और स्कूल का क्रियान्वति होनी चाहिए, जिससे बच्चियाँ आज जो करौली शहर जा रही हैं वो गांव में ही पढ़ सकें। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।